हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। उससे पहले हम एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो एक्सरसाइज 9.2 है, इसके अंदर कम्प्लीटली एपी के बारे में डिस्कस किया गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें से दो तीन क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि वो अर्थमेटिक मीन पर है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जो पूरी एक्सरसाइज है वो क्लास 10 लेवल की आप समझ सकते हो, और कई क्वेश्चन तो क्लास 10 के ही लग रहे हैं मेरे को। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनके कंसेप्ट क्लास 10 के लेवल से कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, और फटाफट यहाँ पे मैक्सिमम जो पूरी एक्सरसाइज है ना, तो उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर मैं चार फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वही यहाँ पर लगेंगे। जैसे nth टर्म का, जिसको हम ए एन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। यहाँ पे जो डी है वो डी क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब अंतर। फिर एक ए एन का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, लेकिन आज इसका कोई जिक्र नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एस एन मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग के एन टर्म्स का सम, मतलब ए वन आएगा फिर ए टू आएगा, एस एन है तो ये ए एन तक जाएगा। ऐसे चौथा फॉर्मूला है एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। कई बार इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं एन बाई टू, ए मतलब पहली टर्म ए वन और एल मतलब लास्ट टर्म ए एन, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप ना, वो मैंने आपको बोला था कि एग्जांपल जरूर सोल्व कर लेना, तो प्लीज़ एक बार वो जरूर सोल्व कर लेना, क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल, पांच एग्जांपल इससे जस्ट पहले शानदार शानदार एग्जांपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन में बोला है, फाइंड दी सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, मतलब एक से लेकर 2001 तक। फ्रॉम टू है, देखो यहाँ पे वर्ड्स को भी आप समझना, फ्रॉम 1 to 2001, इसका मतलब क्या है कि 1 को भी लेना है और 2001 को भी लेना है। लेकिन अगले क्वेश्चन में बिटवीन 100 and 1000, तो इस केस में 100 को भी नहीं लेना और 1000 को भी नहीं लेना, इनके बीच में जो है उनको लेना है। तो वर्ड्स को भी आप समझना साथ के साथ। तो यहाँ पर है सम ऑफ ओड इंटीजर्स, एक से लेके 2001 के बीच में जो भी ओड इंटीजर्स है उनको जोड़ के हमें आंसर बताना है, उनका सम क्या होगा ये बताना है, ठीक है। सम ऑफ ओड इंटीजर्स क्या होगा फ्रॉम 1 to 2001, तो अगर हम इसको लिखें तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1, फिर अच्छा किनारे भी आएंगे मतलब एक भी आएगा, लास्ट में 2001 भी आएगा। तो अब क्या बीच में क्या ढूंढना हमें, ओड इंटीजर्स। तो एक के बाद अगला ओड नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, उससे अगला ओड नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, उससे अगला क्या आएगा, 7 आएगा, ऐसे करते करते लास्ट में 2001, ये खुद भी एक ओड क्या है, ओड इंटीजर है, तो ये भी आएगा। जैसे समझो कि यहाँ पे 2000 ओनली 2000 होता तो 2000 यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि हमें ओड इंटीजर ही ढूंढने, फिर 2000 से पहले वाला 1999 वो ले लेते हैं। खैर इससे पहले क्या आएगा, 1999, ठीक है, ये ले लेंगे। इन सबको हमें जोड़ना है। तो अगर मैं इन सबको एस एन बोलूँ, क्योंकि ये सम ऑफ एन टर्म्स हो गया, तो अब हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि एन की वैल्यू आखिरकार क्या है। तो एन की वैल्यू बताने के लिए हमें हमेशा, देखो एन मतलब एन है लास्ट वाले के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ना, लास्ट वाले के लिए। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक बार कि इसको मैं एनथ टर्म मान लूँगा, ए एन मान लूँगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते स्पष्ट है कि ये जो पहला वाला वन है इसको हम ए बोल लेंगे, पहला वाला नंबर है ए। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आप समझ रहे हो कि एक के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, तो दो दो का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सब चीज़ें अब यहाँ पर रख देते हैं ना, यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या हुआ, ए एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो ए एन की जगह क्या आ जाएगा, 2001 आ जाएगा, 2001 इक्वल टू ए, ए की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन तो हम एन तो निकाल ही रहे हैं तो उसको रहने दो भी, डी, डी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ऐसे नहीं है मतलब दिख तो रहा है लेकिन इतना आसान भी नहीं होता कई बार। तो 1 को इधर भेजेंगे, आसान तो है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है। 1 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, इधर एन माइनस वन इन टू 2 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाएगा ना, 2000 का आधा एन माइनस वन, तो n इस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, इक्वल टू n आ गया, n की वैल्यू आ गई 1001। अब हमें क्या निकालना है, sn निकालना है, sn मतलब s 1001, n की जगह 1001 रख सकता हूँ। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, sn का ये वाला लगाओगे या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे।
तो आप कोई सा भी लगा सकते हो। मेरे को इस बार ये वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि a प्लस एल पहली टर्म पता है, 1 लास्ट वाली भी पता है। तो जब कभी भी आपको लास्ट वाली टर्म पता हो ना, तब आप ये सेकेंड वाला फॉर्मूला ही लगा दिया करो, आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, a प्लस एल, यहाँ पर ये है ना, ये इसको आप ए एन बोलो या फिर इसको लास्ट टर्म एल बोलो, बात एक ही है। तो एस 1001 इक्वल टू कितना हो गया, एन बाई टू, एन किसे क्या आ जाएगा, 1001 डिवाइड बाई टू। ए ए कितना है, तो ए है पहला नंबर 1, 1 प्लस एल है लास्ट वाला नंबर 2001, 2001, तो ये हो गया 1001 अपॉन 2 इंटू, ये कितना हो गया 2002, इसको इससे काटेंगे तो 1001 ही आ जाएगा। तो क्या आंसर आया, 1001 इंटू 1001, तो मतलब 1001 का स्क्वायर, तो कितना होता है 1002001, है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना ये जितना भी है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में काफ़ी कुछ हमें सिखा दिया लैंग्वेज के बारे में, फ्रॉम 2 का क्या मीनिंग होता है, बिटवीन का क्या मीनिंग होता है। बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल होने चाहिए, 5 की टेबल में आने चाहिए, और इन दोनों के बीच में होने चाहिए, ना कि इन दोनों किनारों को हम लेंगे। तो यही अपना क्वेश्चन है। अब आप बताओ, सोचो एक बार, जब भी ऐसा सिचुएशन दिया जाएगी इनके इनके बीच में ये बताओ, तो आप खुद से वो नंबर्स लिखना चालू कर दिया करो। तो 100 को तो हम लेंगे नहीं, तो इससे अगला वाला नंबर लेंगे, तो ये तो काफ़ी आसान है। 5 का मल्टीपल 100 से आगे क्या आएगा, 105 आ जाएगा। फिर सम चाहिए हमें, तो 5 का मल्टीपल चाहिए, तो 105 से अगला नंबर 110 आ जाएगा, फिर 115 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा 5 की टेबल। लास्ट में क्या है, 1000 है, 1000 तो लेंगे नहीं, क्योंकि बिटवीन यहाँ पे बोला है बिटवीन, तो किनारों को नहीं लेंगे हम। तो 1000 से जस्ट पहले क्या आया होगा, 995, और उससे पहले क्या आया होगा, 990 आया होगा, ठीक है। तो हमें इन सबको जोड़ना है, तो इन सबको मैं SN बोल देता हूँ। अब SN का मतलब ये है, तो ये क्या हो गया, A1 हो गया, ये क्या हो गया, A2 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, AN हो गया, ये वाला उससे पहले AN-1 हो गया, ठीक है। तो A1 बोलो या A बोलो, बात है कि यहाँ से आप D भी निकाल लो, ये A1 है, ये A2 है, तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो D कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम 10th क्लास को पढ़ के आए हैं, या फिर क्योंकि अपना माइंड तो थोड़ा मैच्योर हुआ ही है ना, तो आप ये चीज़ें नॉर्मल से समझ सकते हो ना, बड़ी आसानी से समझ भी सकते हो। अगर दिक्कत हो तो आप इसको दोबारा देख लेना प्लीज़, है ना, और एग्जाम्पल्स आप अगर देखते हुए चलोगे तो वो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो ए एन क्या है, यहाँ पे 995 है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन 995 तो हो ही गया। मैं एल एच एस में ए एन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 995। अब ए की जगह कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एस एन का जो फॉर्मूला है वो क्या चाहता है, एन बाई टू ए प्लस एल, तो एन बाई टू ए, ए क्या है 105 पहला नंबर, एल एल क्या है 995, तो सब कुछ तो मेरे को पता है, बस एन पे आके क्वेश्चन अटकता है, तो इसलिए मैं पहले एन निकाल रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे देखो 5 है, तो ये 5 हो गया, फिर 995 हो गया। इस 105 को मैं उधर भेज देता हूँ तो आगे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू, ये उसमें से माइनस होगा, तो 995 से 105 माइनस करेंगे तो 90, तो ये बच जाएगा 800 ना, 890, 5 का उधर डिवाइड कर देंगे, तो 5 उधर जाके डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, 5 1 5 39 39 हो गया, फिर 35, तो 7 बार 35 39 कितना बच गया, 4 और 0 8, ठीक है 178 हो गया। तो n माइनस 1 हो गया 178 के बराबर, तो n किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा तो 179। कई बार बच्चे यही गलती कर देते हैं, ये ना 1 उधर नहीं भेजते, 178 ही रख लेते हैं ना, तो ये भी एक सिली मिस्टेक है, कई बार मेरे से भी हो जाती है, लेकिन जब आपको पता है कि AP के क्वेश्चंस में यहाँ मिस्टेक होती है, तो फिर वहाँ पे आप थोड़ा स्लो चला करो। खैर n की वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या आ गया 179/2, यहाँ पे 105 और इनको जोड़ेंगे तो 5 जुड़ते तो ये हो गया 1000, फिर 100 और जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब इनको 16 अभी डिवाइड करें या फिर बाद में डिवाइड करें, तो देखो प्रॉफिट किस में है ज़्यादा, तो हम इन्हीं को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 179 इंटू 11 जब हम करेंगे तो 179 179, और 9 यहाँ पर आ गया, और साइन 16 1 ये 7 है तो क्या बन गया 8 and 1, ठीक है, और 00 तो यहाँ पर लग ही जाएगा, तो ये बन गया 1869 00 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 से डिवाइड भी कर देते तो 18 का आधा क्या हो गया, अच्छा ये दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है कि जैसे यहाँ पे 7 और जो 1 कैरी किया था हमने, तो 1 वो यहाँ पे
सेवन और टू नाइन हो जाएगा ना, यहाँ पे नाइन आ जाएगा, ठीक है, 19 फिर 69 फिर 00 ऐसे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा, 9 फिर 16 हो गया, तो 8 फिर 9 90 का आधा 45 हो गया, लास्ट वाला 0 ऐसे, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, पहली टर्म 2 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, कुछ ऐसा है क्वेश्चन हमें शायद 10th में देखने को मिलता है, शो दैट 20th टर्म इज 1-112, तो ये हमें बताना है कि क्या है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स का ना, तो इसको समझते हैं, इसको लिखते हैं। तो पहली टर्म तो है 2, फिर क्या बोला, जैसे समझो यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स एंड नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो करीबन 10 टर्म्स की बात की गई है, तो ऐसा है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 एंड A10, ठीक है। तो अब बोला गया कि अगर हम इनको जोड़ते हैं और इनको जोड़ते हैं तो इनका जो समेशन है ना फर्स्ट 5 टर्म्स का, वो नेक्स्ट 5 टर्म्स का क्या है, 1/4 है। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इक्वल टू नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम, मतलब A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, ये बन गया, ठीक है, इनके सम का 1/4, तो ऐसा है ये क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ ऐसा कुछ है। तो हमें बताना है कि शो करना है कि 20th टर्म है -112, तो A20 निकालना है हमें और बताना है कि ये -112 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहुँचना है, देखो कैसे कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहो तो रख दो, वरना फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इनको जोड़ना ही अल्टीमेटली। तो मैं यहाँ पर सिंपल अप्रोच ही लगा लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा माथा बच्ची नहीं होगी, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। A1 मतलब क्या है A2 मतलब क्या है A+D, A3 मतलब क्या है A+2D, A4 का मतलब क्या है A+3D एंड A5 का मतलब क्या है A+4D, इनको जोड़ लेंगे इक्वल टू 1/4 ऑफ, यहाँ पर A6 का मतलब क्या है A+5D, फिर A+7D का, A7 का मतलब क्या है A+6D, A8 का मतलब A+7D और A9 क्या हो गया A+8D और लास्ट में A10 मतलब A+9D, ठीक है। तो इनको इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, A 5 A तो है भाई अंदर, फिर 1D फिर 2D फिर 3D फिर 4D, तो 1, 2, 3 और 3, 6 और 4, 10 हो गया, ये 10D हो गया इक्वल टू 1/4 ऑफ, इधर A 5 A हो गया प्लस, फिर यहाँ पर क्या है कि देखो दोस्तों यहाँ पर एक की वैल्यू पता है हमें 2 है, लेकिन हम इसको बाद में रखेंगे लास्ट में, पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, 5 और 6 11 है ना, 5 और 6 क्या हो गया 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 प्लस 9 कितना हो गया 35, तो ये 35D हो गया, ठीक है, वैसे भी 45 माइनस 10 करेंगे तो हाँ 35 आ जाएगा। इनको करते हैं सोल्व, सोल्व करने से पहले 5 से काट देता हूँ मैं, 5 से इसको काटूँ है ना, 5 से कट कर रहा हूँ तो 5 से इसको काटूँगा तो 5 इसका कट जाएगा, क्या बच जाएगा A, और 5 से इसको काटूँगा तो यहाँ पर 2D बच जाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 5 कॉमन लिया, यहाँ से 5 कॉमन लिया, दोनों काट दिया, कॉमन लेने के बाद यही बचेगा, यहाँ से 5 से काटूँगा तो क्या बच जाएगा A, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 7D, मतलब ब्रैकेट के अंदर से भी ऐसे कट कर दिया अगर आप समझ पा रहे हो तो, है ना, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप क्या करो पहले कॉमन लो, फिर जो बचेगा वो ये बचेगा, जो कॉमन लेंगे 5 और 5 वो कट जाएगा, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 है ना, 4 जाके उससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे जो भी बचा उससे, तो A इंटू 4 4A और 2D इंटू 4 8D इक्वल टू, यहाँ पर क्या है A प्लस यहाँ पे 7D, सोल्व करते हैं इसको, तो इस A को मैं इधर ले आता हूँ, इस D को भी इधर ले आता हूँ, तो ये कितना हो गया 3A, 7D जाके 8D में से माइनस होगा तो D बच जाएगा इक्वल टू 0, इधर कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 उधर चला गया तो -3A, ये बन गई डी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर मैं ए बराबर क्या रख देता हूँ 2 रख देता हूँ, तो डी बराबर क्या हो गया -3 इंटू ए, ए की जगह 2 आ जाएगा तो डी इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। अच्छा डी की वैल्यू -6 आ गई, हमें चाहिए 20th टर्म, तो 20th टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ए 20 का फॉर्मूला क्या हो गया A+19 इंटू डी, तो ए की जगह कितना है 2, तो 2+19 इंटू डी, डी की जगह कितना आएगा, हमने निकाला -6 तो -6 आ जाएगा,
करते हैं इसको सोल्व, तो यहाँ पे ये हो गया 2 प्लस यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू 19 सिक्सा, तो 19 सिक्सा कितना होगा, माइनस का तो आएगा 114, ये बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 112 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 820 ये हमने प्रूव कर दिया, ये प्रूव का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये इतना करना था कर दिया हमने। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एक एपी दे रखी है -6, -11/2, -5... आर नीडेड टू गिव द सम -25, मतलब इस एपी की हम कितनी टर्म्स उठाएं ताकि उनका जो सम है वो कितना आ जाए, माइनस का 25 आ जाए, ठीक है। तो कितनी टर्म्स उठाएं इसका मतलब हमें क्या बताना है, हमें एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप यहीं पे क्वेश्चन यहीं से चालू करोगे, आप ये वाला भले मत लिखना, तो ऐसे लिख लेना लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन जिनका हुज सम इज इक्वल टू -25 इन दिस एपी, ठीक। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लगाया जाए, तो पहली बात तो सम दे रखा है तो इसी यहीं से चालू कर लेते हैं, बाद में देखेंगे किस चीज़ की कमी पड़ रही है तो बाद में ढूंढ के निकाल लेंगे। सम कितना -25, तो ये किनका सम है, ये एन टर्म्स का सम है, हमने एन मान लिया कि भाई ये किसका सम है, एन टर्म्स का सम है, हमें एन चाहिए, तो इस सम को मैं एस एन बोल सकता हूँ। अच्छा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब इस बार ना फॉर्मूला आप वो शॉर्टकट वाला मत लगाना क्योंकि उसमें ए प्लस एल आता है, फिर एल की फिर से हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो उससे बेटर है कि आप जब भी ऐसे एन जब पता ना हो ना तो आप वो पूरा लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला निकालो, जब जब भी हमें एन निकालना हो तो एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस का 25 हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें बतानी है, क्या a और d हमें पता है, तो देखो ये अपनी ap है ना, दिस इज ap, तो यहाँ पर ये जो पहला नंबर है माइनस सिक्स ये क्या हो गया अपना a हो गया। रही बात d की, तो d निकाल लेते, d कैसे निकालते हैं, अगली वाली टर्म माइनस पिछली वाली टर्म, तो माइनस 11 बाई 2 में से मैं क्या माइनस करूँगा, माइनस सिक्स माइनस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे माइनस पहले से हैं तो कन्फ्यूज मत होना, आप इसमें से ये माइनस कर दो, जैसा कि हम हमेशा निकालते हैं डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन से, तो ये ए टू है ये ए वन है माइनस, अब इसको सोल्व कर लो, तो ये क्या हो गया माइनस 11 बाई 2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, सोल्व करेंगे दो उधर जाएगा तो माइनस 11 प्लस 12 बटे 2 एलसीएम लेके मैंने सोल्व किया, तो 12 माइनस 11 1 बटे 2, तो डी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1 बटे 2 हो गई। ये भी यहाँ पे रख देता हूँ, ए की वैल्यू भी यहाँ पे रख देता हूँ, तो n बाई टू, देखो यहाँ पे जो बाई टू है ना इसको तो हटाओ, इसको तो मैं यहाँ से उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बचेगा n, अंदर है 2a, तो 2a a की जगह आ जाएगा माइनस सिक्स, तो 2 इंटू माइनस सिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर प्लस n माइनस वन की जगह n माइनस वन इंटू, देखो यहाँ पर है d, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, d दे रखी है, तो कैसे करेंगे, d की जगह क्या है वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 मैं यहाँ पे रख दूंगा इक्वल टू, ये 2 हमने उधर भेज ही दिया था, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 25 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट खोलने की तैयारी करते हैं, और तो क्या करें, यहाँ पे क्या हो गया ये n है, ये कितना हो गया माइनस 12 प्लस यहाँ पे क्या है ये बन गया n माइनस 1/2, ठीक है, मतलब ये ऊपर ऊपर ही मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 50 हो गया। इधर एक बार और एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन गया n और ये दो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का 24 प्लस ऊपर वो तो है ही अपना जिंदाबाद माइनस 1/2, ये हो गया माइनस का 50। अब इस दो को भी मैं इधर भेज दूंगा, खैर अंदर क्या होगा n इंटू, इनको सोल्व करेंगे तो n तो ये है माइनस 24 और माइनस 1 तो माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू, दो उधर चला गया तो माइनस का 100 हो गया। इनको ब्रैकेट खोल देता हूँ, इस 100 को इधर ले आता हूँ माइनस 100 को, तो अब देखो क्वांटिटी के क्वांटिटी क्वांटिटी सोल्व करते रहेंगे, तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन किधर जाती है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो एन और 25 है तो माइनस का 25 एन हो जाएगा इक्वल टू, इक्वल टू क्या माइनस 100 है ना वो इधर आ जाएगा तो प्लस का 100 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सोल्व करना पड़ेगा, तो एन स्क्वायर माइनस इस 25 के कैसे टुकड़े करें, तो शायद 20 एन माइनस 5 एन हो जाएगा ना, हाँ ये सी है इक्वल टू 0, तो इनमें क्या कॉमन आ गया n, तो बच गया n माइनस 20, इनमें क्या कॉमन आ गया माइनस 5, तो क्या बचना चाहिए n माइनस 20, बच भी रहा है इक्वल टू 0, दोनों में n माइनस 20 फिर से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया n माइनस यहाँ पे 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू 20 आ रही है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के हालात को समझते हुए दोनों ही यहाँ पर सही है। कैसे होगा, क्या जैसे हम यहाँ पे नंबर्स को आप देखोगे ना तो ऐसा होगा n की वैल्यू 5 मतलब A1, A2, A3, A4, A5, फिर बाद में 20 तक भी जा रहा है तो A6, फिर
फिर ए सेवन, ऐसे करते करते ए बीस तक। तो हो क्या रहा है, जब हम इन नंबर्स को जोड़ते हैं है ना, एन की वैल्यू 5 आई, मतलब इन नंबर को जब जोड़ते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, -25 आ रहा है। इनका आंसर कितना आ रहा है, -25 आ रहा है। और जब हम यहाँ से लेके इन नंबर्स को भी जोड़ते हैं तब भी आंसर कितना आ रहा है, -25 आ रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो छठी टर्म है ना, सिक्स्थ टर्म से लेके 20वीं टर्म तक, इन सब का आंसर 0 आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने नंबर प्लस में आ रहे होंगे उतने ही माइनस में आ रहे होंगे। मतलब ये हो क्या रहा है, धीरे धीरे आप देख रहे हो नेगेटिव में नंबर है और कॉमन डिफरेंस का पॉजिटिव है। मतलब क्या होगा कि एक टाइम ये माइनस में है, फिर बढ़ा नंबर, फिर बढ़ा, तो ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, फिर कहीं ना ये कुछ नेगेटिव रहे होंगे, फिर बीच में 0, फिर आगे पॉजिटिव रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन ज़रूर है कि कुछ ये जो सिक्स्थ टर्म से लेके 20वीं टर्म तक का जो सम है वो क्या रहा है, 0 रहा है। ठीक है, तो अपने दोनों ही आंसर सही है। जब हम स्टार्टिंग की 5 टर्म्स को जोड़ते हैं तब भी आंसर -25 आ रहा है, या फिर स्टार्टिंग की 20 टर्म्स को जोड़ रहे हैं तब भी आंसर 25 आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला तो -25 है ही और लास्ट के जो 15 टर्म्स आई एक्स्ट्रा उनका कुल मिला के 0 है। तो दोनों आंसर हम यहाँ पे सही बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे डबल आंसर का सिग्निफिकेंस है, मतलब ये है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो इसमें क्या बोला, इन एन ए पी इफ पीएथ टर्म, जो पी नंबर की जो टर्म है ना वो है 1/q, उसकी वैल्यू क्यूथ टर्म की वैल्यू है 1/p, प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज 1/2 पी क्यू प्लस 1 वेयर पी इज नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में से मैंने ऐसे लिखी है, जो पीएथ टर्म है मतलब ए पी वो क्या है, 1/q है, जो क्यूथ टर्म है वो है 1/p मतलब ए क्यू हो गया 1/p, और ये हमें प्रूव करना है। जो पी क्यू टर्म्स है स्टार्टिंग की, तो मैं जैसे बोलते हैं ना स्टार्टिंग की एन टर्म्स का सम एस एन, तो स्टार्टिंग की पी क्यू टर्म्स का सम एस पी क्यू, नीचे की तरफ पी क्यू आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोल प्ले वाली बात है कि कौन किसका, अगर आप ये समझ पा रहे हो कि कौन किसका रोल प्ले करता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे दो चीज़ें नहीं बोली क्वेश्चन के अंदर, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है ए वन उसको मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी सोल्व कर पाएंगे हम। और जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैं मान लेता हूँ डी, स्मॉल डी। ठीक है, अब हम अपनी सारी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये दो चीज़ें हमें पता है और ये हमें प्रूव करना है। तो दो चीज़ें पता, तो एक बार इन पर लगाते हैं क्या पता है। देखो पी एथ टर्म दे रखी है 1/q, एक बार पी एथ टर्म का फॉर्मूला लगाओ। जैसे आपको सबको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपना फॉर्मूला हो गया, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे ए एन था तो ऐसा ऐसा था है ना, एन आ गया था, यहाँ पे क्या ए पी, तो ए पी में क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहली वाली चीज़ मैंने लगा दी, ये है गिवन। अच्छा यहाँ पे, और अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दे रखी है ना ए पी की, ए पी की वैल्यू क्या है, 1/q, 1/q, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे ए क्यू, ए क्यू की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये भी क्या है, गिवन है। तो ए क्यू मतलब इसकी इसकी वैल्यू क्या है, 1/p, तो यहाँ पे 1/p हो गया। ठीक, तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना ए और डी ये हमने अज्यूम किया था ना, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमने लेट किया है, अज्यूम किया है, ताकि हम ऐसे खाली हाथ ना बैठे रहें। तो अज्यूम किया, तो इनकी वैल्यू क्वेश्चन में तो है नहीं, तो इनको तो मतलब हमें अल्टीमेटली हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कितने अननोन है, ए नहीं पता, डी नहीं पता, तो दो अननोन है। क्या अपने पास में दो इक्वेशन है, हाँ है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, बस काम हो गया अपना। जब दो अननोन हो तो दो इक्वेशन सफिशियंट है, तो हमें यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकालनी है। ये ए पता चल जाए और ये डी पता चल जाए, ठीक है, बस अपना यही टारगेट रखना है हमें। तो क्या करें, देखो सीधा सीधा ए तो अभी कट जाएगा, कैसे, इन दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस कर देता हूँ। तो अब इन इनको तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इनकी वैल्यू है ना उसको चलाओ आप। यहाँ पे क्या है, 1/q माइनस एल एच एस में से एल एच एस मान माइनस हो गया, तो ये ऐसा 1/p ऐसा बन गया, आर इक्वल टू ए से ए कट जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे और बचा क्या, इसमें से ये माइनस वाला बच गया, तो पी माइनस वन इंटू डी में से ये क्यू माइनस वन इंटू डी, ये यहाँ पे बच गया। यहाँ से फायदा क्या होगा, हमें डी मिल जाएगा, क्योंकि अब ए के अननोन है। देखो अननोन पी और क्यू नहीं है, अननोन है ए एंड डी, आप ये समझो। पी और क्यू का नाम तो क्वेश्चन में ले लिया, तो अननोन है यहाँ पर ए और डी है। तो यहाँ से देखो ये रहा डी, ये रहा डी, तो डी कॉमन लेता हूँ मैं, इधर इसको सोल्व भी करते रहता हूँ। पी उधर चला गया, क्यू उधर चला गया, तो क्या बन गया, पी माइनस क्यू डिवाइड बाई नीचे एलसीएम क्या हो गया, पी इंटू क्यू। इन दोनों में कॉमन क्या ले लिया मैंने, डी कॉमन ले लिया, तो फिर बचेगा क्या, एक तो ये बचेगा पी माइनस वन ब्रैकेट के अंदर, माइनस तो माइनस ब्रैकेट के अंदर है क्यू माइनस वन, ब्रैकेट मत छोड़ना, ब्रैकेट एक हेलमेट की तरह होता है, जैसे उतारोगे दुर्घटना हो जाएगी। तो
तो यहाँ पर क्या हो गया, पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। इसको सोल्व करेंगे तो देखो ब्रैकेट अब खोल देते हैं, है ना, केयरफुली। अगर पहले कोई खोल दे तो पता चलता है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो दिक्कत हो जाती। तो p माइनस वन माइनस ये क्या बन जाएगा, q प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस जाके उसको चेंज कर देगा, माइनस से प्लस वन कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू अपॉन, तो p माइनस क्यू अपॉन क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू, इधर क्या बच गया, p माइनस क्यू बच गया इंटू डी। देखो दोस्तों इसका एल एच एस में इसके ऊपर है p माइनस क्यू, इधर ये है p माइनस क्यू, ये कट गया। तो यहाँ से पता चला कि d की वैल्यू, d की वैल्यू क्या आई, वन अपॉन पी क्यू, वन अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये ऐसे हमें इसकी वैल्यू तो मिल गई। अब देखो यहाँ पे जो माना था ना हमने d, उसकी वैल्यू मिल गई हमें वन अपॉन पी क्यू। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए। तो a की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए एक बार मैं इक्वेशन वन लिख लेता हूँ वापस। इक्वेशन वन क्या है, वन बाई क्यू इक्वल टू यहाँ पर है a प्लस इधर है p माइनस वन इंटू डी। अच्छा a की वैल्यू तो हमें चाहिए, यहाँ पे जो d है d की जगह क्या रख देता हूँ, वन बाई पी क्यू, जो कि वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, वन बाई पी क्यू यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब देखो a की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो भी ये इतना बड़ा सिस्टम है इसको यहाँ से उठाओ और इसको भेज दो उधर की तरफ, ठीक है, हमें बस a चाहिए। तो ये इधर आ गया वन बाई पी क्यू, सॉरी जगह कंजेस्टेड है पहले से, यहाँ पे वन बाई क्यू। अच्छा ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये p माइनस वन इंटू डी, ये प्लस का साइन लगा हुआ है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस p माइनस वन इंटू डी, डी की जगह क्या आ जाएगा, ये वन अपॉन पी क्यू, वन अपॉन पी क्यू इक्वल टू यहाँ पे a है तो a यहाँ पे बचा रहेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ए हमें चाहिए बस, तो इसका क्या ले, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या देगा, ये क्यू है ये पी क्यू है तो पी क्यू ही हम ले लेंगे, क्यू से क्यू कट जाएगा, पी बच जाएगा, पी जाके वन से मल्टीप्लाई होगा तो पी यहाँ पे मिल जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा वन, वन जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा पी माइनस वन इक्वल टू ए। इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये ब्रैकेट खुलेगा, अब ये है ना केयरफुली बाद में खोला करो ब्रैकेट आप, पी माइनस ये बन गया पी माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन अपॉन पी क्यू हो गया इक्वल टू ए, तो पी से पी कट जाएगा। तो ए की वैल्यू आप देखोगे वन अपॉन पी क्यू आ गया वापस, वन अपॉन पी क्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन पी क्यू ही आ गई, और यही वैल्यू डी की भी आई थी, ठीक है। तो इतना मतलब आसान सा हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब ये प्रूव करना ना, तो एस पी क्यू अब देखो लगाता हूँ मैं, जैसा कि हम सबको पता है कि एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या पी क्यू टर्म्स का सम चाहिए, तो यहाँ पे एन की जगह मैं क्या रख दूंगा पी क्यू, एन की जगह क्या रख दूंगा मैं पी क्यू रख दूंगा, ए की जगह क्या रख दूंगा वन अपॉन पी क्यू रख दूंगा, डी डी की जगह भी क्या रख दूंगा वन अपॉन पी क्यू रख दूंगा, ये हमें पता चल गया। तो ये क्या बन गया, एस पी क्यू इक्वल टू एन की जगह पी क्यू डिवाइड बाई टू टू ए, तो ये बन जाएगा देखो टू इंटू ए तो टू इंटू दिस तो टू अपॉन पी क्यू बन जाएगा, प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा पी क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई, अच्छा डी डी की जगह क्या आएगा, डी की जगह वन अपॉन पी क्यू है तो डिवाइड बाई पी क्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ पी क्यू है, पी क्यू है बाहर, ऊपर की तरफ पी क्यू खड़ा है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा पी क्यू डिवाइड बाई टू, अंदर एलसीएम ले लेता हूँ ना एलसीएम इनका, तो पी क्यू कोई दिक्कत तो होगी नहीं पी क्यू को, और ऊपर जो सेम सेम से वो बस ओपन कर दो बस आप ब्रैकेट, ये क्या बन जाएगा टू, क्योंकि नीचे की तरफ दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ये टू आ गया, यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस, फिर ये पी क्यू माइनस, देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट भी आप खोल दो, ये आ गया पी क्यू माइनस वन, देखो पी क्यू से पी क्यू कट गया, ठीक है। अब आप कट कर सकते हो, तो यहाँ पर बच गया वन अपॉन टू, और इधर देखोगे तो ये टू माइनस वन क्या हो गया, वन हो गया प्लस, है ना, टू माइनस वन वन हो गया, पी क्यू का पी क्यू हो गया। तो क्या हम ये यहाँ तक पहुँच पाए, तो देखो ये क्या था अपना, ये एल एच एस था, और ये क्या हो गया अपना आर एच एस हो गया ना, ये वन बाई टू पी क्यू प्लस वन, वन बाई टू पी क्यू प्लस वन, कैसे लिख दो बराबर है। तो ऐसे हमने ये किया, थोड़ा सा ये लेंदी पड़ गया, पूरे पेज में आ गया यार ये तो, है ना। तो दोस्तों मतलब लेंदी है और कुछ कुछ स्पेशल तो नहीं है यहाँ पर अभी तक। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।